अगर कोई स्टैट्यूट बनता है उसका कुछ पोर्शन वायलेट कर रहा है किसको, फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को, और कुछ पोर्शन वायलेट नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को, तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे। जो वायलेटेड पोर्शन है, जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो स्टक डाउन हो जाएगा, वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, और जो वायलेट नहीं कर रहा है, नॉन वायलेटेड पोर्शन है, वो अपने आप जिंदा रहेगा। इंडियन पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है, ये कहां से अपना ओरिजिन लेती है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन कौन से हैं, इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये शब्द अपने आप में क्या कहता है। तो सेवरेबिलिटी आता है सेवर शब्द से, और सेवर शब्द का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना, ठीक है। तो अगर किसी चीज को तोड़ा जा सकता है तो उसको बोलते हैं सेवरेबिलिटी, मतलब उसकी इस खासियत, उसकी इस क्वालिटी को बोलते हैं सेवरेबिलिटी। अब कानून में इसको कैसे यूज करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई लॉ है, लॉ में बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए इंडियन पीनल कोड है तो 5 से 11 सेक्शन है, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल है, तो बहुत सारे प्रोविजन है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप इसमें से पर्टिकुलर कोई पार्ट हटाना चाहते हैं, तो क्या वो पार्ट हटाने के बाद इस जो डॉक्यूमेंट है, जो भी स्टैट्यूट है, इसका कोई मतलब बचेगा, क्या वो जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है। अगर वो रह सकता है, मतलब तोड़ने के बाद भी जो पोर्शन है वो अपने अपने जिंदा रह सकता है, तो हम इसको बोलते हैं सेवरेबिलिटी, यहां पे एप्लीकेबल है। तो सेवरेबिलिटी कहां से आती है, तो नॉर्डेनफेल्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्डेनफेल्ड गन्स एंड एमिनेशन केस 1876 का। तो ये केस अपने आप में कहता क्या है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लग सकती है, तो नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो जो मैंने केस बताया आपको, इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट में लगाया गया था, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रोविजन इनवैलिड थे, कोर्ट ने बोला कि इनवैलिड प्रोविजन को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से हटा भी दें तो भी जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा। तो मतलब हमने यहां पे सेवर कर दिया, मतलब जो इनवैलिड पोर्शन था उसको हटाया, तोड़ दिया, इसके बाद जो पोर्शन बचा वो अपने आप में अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो जिंदा है कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब जो बाकी के बचे हुए प्रोविजन है वो फॉलो किए जाएंगे। तो यहां से ओरिजिन होता है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का, इसी को हम यूज करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्जैक्टली कौन सा आर्टिकल है जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो डॉक्ट्रिन इनहेरेंट है, तो दिखाता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब आर्टिकल 13 आप सबको पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर होता है इसमें आता है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट वो इनहेरेंट राइट होते हैं जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए हमारे गारंटीड होते हैं हमको, ये सब आपको पता होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज पता होगी कि फंडामेंटल राइट को एब्रिज करता हुआ या उसके वॉयलेशन में, उसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, इसकी पावर मिलती है आर्टिकल 13 से। तो अगर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को हम देखें तो ये कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाई दिस पार्ट, मतलब फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है उससे जो राइट कन्फर किए जा रहे हैं, किसको किए जा रहे हैं, सिटीजन्स या नॉन सिटीजन्स दोनों को, एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज 13 क्लॉज 2 के कंट्रावेंशन में अगर कोई कानून बनाया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वॉइड, तो जहां तक कॉन्ट्रावेन कर रहा है इस स्टैट्यूट को, इस पर्टिकुलर क्लॉज को, वहां तक वो वॉइड होगा। यही से डेफिनेशन निकल के आती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की। मान लीजिए कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, कानून में 5 प्रोविजन है, इसमें से 4 प्रोविजन जो है वो तो वैलिड है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को आपके नहीं ले रहा है, लेकिन जो 5वां प्रोविजन है वो आपके फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को वॉयलेट कर रहा है। तो अब इसमें वर्ड यूज किया गया टू दैट एक्सटेंट, जहां तक वो वायलेटिव है, जहां तक वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो मतलब जो 4 पार्ट थे वो तो कॉन्ट्रावीन नहीं कर रहे थे, जो 5वां पार्ट है वो कॉन्ट्रावीन कर रहा था, तो दैट एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक का जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वो लगेगा। 13 क्लॉज 2 कहता है कि ये जो आपका 5वां सेक्शन है या 5वां क्लॉज है, 5वां पार्ट है, ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, जो बाकी के 4 है वो क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो सिंपल शब्दों में अगर कोई स्टैट्यूट बनता है उसका कुछ पोर्शन वायलेट कर रहा है किसको, फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को, और कुछ पोर्शन वायलेट नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को, तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे। जो वायलेटिव पोर्शन है, जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो स्टक डाउन हो जाएगा, वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, और जो वायलेट नहीं कर रहा है, नॉन वायलेटिव पोर्शन है, वो अपने आप में जिंदा रहेगा, ठीक है। यही है कहता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो पहला केस में आपको बताया नॉर्डेनफेल्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्डेनफेल्ड का, वहां पे तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। अब इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो सबसे बड़ा केस था वो था आरएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे, उनको सुनने के पहले हम देखते हैं एक और केस। आपने सुना होगा ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। इसमें क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, एक एक्ट था जिसका सेक्शन 14 था, वो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 14 का वॉयलेट कर रहा था, मतलब जो रूल ऑफ लॉ है इसको वॉयलेट कर रहा था। अब मैंने बताया सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मतलब बाकी के जो उसके सेक्शन से वो वॉयलेट नहीं कर रहे थे, सेक्शन 14 था वो वॉयलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को।
तो सिर्फ सेक्शन 14 को वायोलेटिव डिक्लेयर करके स्ट्रक डाउन किया गया और बाकी का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था वो एज इट इज एप्लीकेबल रहा। यही हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेविलिटी। हमने जो सेक्शन 14 था उसको सीवियर कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से, और जो बाकी का बचा हुआ एक्ट था वो अभी भी फंक्शनल रहेगा। तो पहला केस अगर हम देखें तो ए के गोपाल वर्मा से स्टेट ऑफ मद्रास का हम देख सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है जहां पे प्रिंसिपल्स बताए गए थे वो है आरएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस है। इस केस में अलग क्या बोला गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेरिबिलिटी अपने आप में कह देता है कि मान लीजिए कोई कानून है जिसका कोई पर्टिकुलर प्रोविजन फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो हम उसको काट के अलग कर देंगे, बाकी जो स्टैट्यूट बचा वो एप्लीकेबल रहेगा। पर अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जो पोर्शन वायलेट कर रहा है उसको हटाने के बाद जो कानून है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बच रहा है, तब क्या करेंगे, हम हटाएंगे तो उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, ठीक। तो इसको डिटेल में डिस्कस किया गया था आपके आरएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। तो पहली चीज जो इसमें कही गई थी वो ये है कि अगर किसी स्टैट्यूट का जो वायलेटिव पार्ट है, वायलेटिव पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट को जो वायलेट कर रहा है, और नॉन वायलेटिव पार्ट है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है, अगर इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हम, मतलब अलग नहीं किया जा सकता उनको, तो क्या होगा, पूरा का पूरा कानून जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, पूरा कानून। दूसरी चीज, अगर उनको अलग किया जा सकता है तो जितना पोर्शन अलग करना है इनवैलिड है उसको अलग करके जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो एग्जिस्टिंग मतलब फोर्स में रहेगा। तीसरी चीज, इनवैलिड पोर्शन था उसको हमने अलग किया, उसके बाद वैलिड पोर्शन बचा तो रह जाएगा लेकिन वो इतना थिन हो जाएगा, इतना ट्रंकेटेड हो जाएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, उसको वैलिड रखने का कोई मतलब नहीं है, रह तो जाएगा, जिंदा रह जाएगा लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो भी हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे स्टैट्यूट को इनवैलिड कर देंगे, ठीक। एक और सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए जो वैलिड पोर्शन है और इनवैलिड पोर्शन है किसी कानून का, उसमें से हम जो इनवैलिड पोर्शन है उसको अलग करते हैं, वैलिड पोर्शन अभी भी जिंदा रह सकता है, फोर्स में रह सकता है, लेकिन जो लेजिस्लेचर का इंटेंट था इस कानून को बनाने का वो इनवैलिड पोर्शन को निकालने के बाद इंटेंट जो है डिफीट हो जाएगा, मतलब लेजिस्लेचर का इंटेंट अब फुलफिल नहीं हो रहा है, तो भी इस कानून को जो बचा हुआ पोर्शन उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगाते हैं तो उसमें इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर को भी देखना पड़ेगा। अगर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर यही था कि ये दोनों एक साथ रहे और हम अलग कर दे रहे हैं तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर फेल हो जाएगा, तो हम पूरे के पूरे कानून को ही हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किसी स्टैट्यूट में लगा रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को नहीं पढ़ेंगे उसके कि हमने सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ा और हमने इस पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा दिया, हम पूरे स्टैट्यूट को एज अ होल पढ़ेंगे, टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे, एज अ होल पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कितना पोर्शन वायलेटिव है और कितना पोर्शन वायलेटिव नहीं है। जो वायलेटिव पोर्शन होगा सिर्फ उतने को हम स्ट्रक डाउन करेंगे, बाकी पोर्शन को हम इफेक्टिव रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस किए गए थे आरएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 के केस में। इसके अलावा आपके पास एग्जांपल है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जिनसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा। अब इसमें क्या था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 का जो कुछ पोर्शन था जो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को, तो जितना पोर्शन वायलेट कर रहा था उसको इनवैलिड डिक्लेयर करके बाकी जो स्टैट्यूट था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का उसको वैलिड रखा गया। यह है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा का केस। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, बहुत फेमस है 1976 वाला, उसमें आपको पता है आधे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं बदल दिया गया था, तो जितने भी इसमें प्रोविजन थे उनमें से दो प्रोविजन कौन कौन सा, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये जो दो थे ये फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को वायलेट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 4 और सेक्शन 55 इनको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसके अलावा जो बाकी का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो वैलिड था। तो इस तरीके से यूज करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में। अब इसके बाद जो हम अपना अगला डॉक्ट्रिन करेंगे वो होगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, कहां से वो अपनी पावर को डिराइव करता है और कौन कौन से ऐसे एक्ट है जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के चलते स्ट्रक डाउन किया गया है या होल्ड पे डाला गया है, ये हम अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।